आज हम बनाएंगे ऐसी तीन रेसिपी जिसमें मैंने पेरी पेरी मसाला यूज़ किया है। मैंने इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुक्ड टॉपिंग बना लेते हैं, तो उसके लिए मैं पैन गरम कर लेती हूँ और उसमें डालती हूँ ऑलिव ऑयल। तेल को थोड़ा गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, मैं गैस स्लो कर रही हूँ। इसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक, जिंजर चिली पेस्ट, ऑनियन पेस्ट। मुझे ऑनियन ज़्यादा नहीं पकाने हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट। जैन लोगों के लिए गार्लिक ऑनियन ऑप्शनल है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ चॉप्ड बेल पेपर्स, चॉप्ड पनीर, मैंने एकदम क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं, नमक। टोमेटो इज ऑप्शनल, अगर आपको डालना नहीं है तो 1 टेबलस्पून पानी डाल करके भी आप ये बना सकते हैं। हमें तब तक कुक करना है कि हमारा ये पानी जल नहीं जाए। अभी हम डालेंगे स्मिथ एंड जॉन्स का पेरी पेरी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पानी जल रहा है, उसमें डालेंगे नींबू का जूस और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। द स्मेल इज रियल टेम्प्टिंग। पानी एकदम से जल चुका है, अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ये टाको शेल्स मैं बाज़ार से रेडीमेड लाई हूँ, आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। ये कच्चे हैं तो हम इसे 10 से 15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ये मैंने अनकुक्ड टॉपिंग्स लिए हुए हैं जिसमें मैंने चॉप्ड टोमेटो और ऑनियंस, श्रेडेड कैबेज और मैंने ग्रेटेड चीज़ ले लिया है। तो अब टाकोस को असेंबल कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं टाको शेल, उसमें मैं डाल रही हूँ श्रेडेड कैबेज, फिर मैं डाल रही हूँ हमारा कुक्ड टॉपिंग, इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर हम डालेंगे चॉप्ड टोमेटोस एंड ऑनियंस, फिर हम डालेंगे हमारा ग्रेटेड चीज़ और लास्ट में डालेंगे ऊपर, स्प्रिंकल करेंगे पेरी पेरी मसाला। चलिए ऐसे ही सारे टाकोस असेंबल कर लेते हैं। कॉर्नस्टिक्स बनाने के लिए मैंने एक भुट्टा ले लिया है, उसको मैं 3 पार्ट में काट लेती हूँ। मैंने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, अभी मैं इसे टूथपिक में डाल देती हूँ। अभी जैसे फर्स्ट लाइन है तो उसे हम इस तरीके से काटेंगे। मैंने सारे कॉर्न स्टिक्स में डाल दिए हैं, अब इसे
पानी में बॉईल कर देते हैं नमक डाल के। पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें मैं कॉर्नफ्लेक्स डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अभी मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। अभी मैं गैस मीडियम स्लो कर देती हूँ और 5 मिनट तक पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे मैं पानी में से निकाल लेती हूँ। मैंने पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, बटर, क्रश गार्लिक और उसे मैं सौते कर लेती हूँ। तेल में बटर हम इसलिए डालते हैं कि बटर जले नहीं। अभी हम रख देते हैं हमारे कॉर्नफ्लेक्स, नींबू का जूस, थोड़ी सी शक्कर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर और इसे हम टॉस कर लेते हैं। लास्ट में हम डालेंगे स्मिथ एंड जॉन्स का पेरी पेरी मसाला। मैंने 1 चम्मच जितना डाला हुआ है, आप अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम तीखा पसंद है तो कम डालें। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये बन गए मेरे कॉर्नस्टिक्स, चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने 2 आलू ले लिए हैं, उसे मैंने अच्छे से धोकर साफ करके उसके छिलके को निकाल लिया है। अभी हम इसे काट लेंगे। मैंने 1 आलू ले लिया है, अब हम उसे बीच में से काट लेते हैं। अब उसके चिप्स बना लेते हैं। अब इसे पानी में डाल देते हैं, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। मैंने चिप्स को पानी में से निकाल लिया है, अब हम पेपर टॉवल की हेल्प से इसे पोंछ लेंगे। अब मैं ले लेती हूँ कॉर्नफ्लोर, मैदा, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, नमक और पेरी पेरी मसाला। पानी डाल करके इसका घोल बना लेते हैं। अब हम सारी चिप्स ये बैटर में डाल देते हैं। और चिप्स पे ये बराबर से लगा लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, मैं चिप्स तलने में डाल देती हूँ। हमारे चिप्स रेडी है, मैं दूसरे भी तल लेती हूँ। अब मैं चिप्स पे पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। अभी मैं इस पे मेयोनीज डाल देती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो